हेलो गाइस वेलकम टू एम क्लासेस क्लासेज एम क्लासेस के आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में दिस इज रेलेवेंट फॉर ऑल द बैंक एग्जाम इंश्योरेंस नाइलेट ओ लेवल ए लेवल वी लेवल सी लेवल और एसएससी एंड ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम दिस इज पार्ट टू ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस सीरीज एंड आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस के पार्ट टू दैट इज हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर एंड व्हाट इज़ कंप्यूटर और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या हैं फर्स्ट कंप्यूटर किस तरह से काम करता था ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज सो लेट्स स्टार्ट कंप्यूटर कंप्यूटर जो है ये एक ऐसा वर्ड है जो डिराइव किया गया है कम्प्यूटिंग से जब मॉडर्न साइंस का स्टार्ट हुआ तो इसे जब मॉडर्न साइंस स्टार्ट की गई स्टार्ट हुई तो इसे कहा गया फिर कंप्यूटर साइंस इट कैन ट्रेस्ड बैक टू अ लॉन्ग एगो एज वेयर मैन स्टिल डिवेल्ड इन केव्स केव्स और इन द फॉरेस्ट और जो मैन uh, थे वो ग्रुप्स में रहते थे फॉर द प्रोटेक्शन एंड सर्वाइवल फ्रॉम द हार्शर एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ सो कंप्यूटिंग जो थी वो धीरे धीरे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती गई और फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस जो था जो एग्जिस्टिंग में फर्स्ट टाइम आया वो था अबेक्स ठीक है तो फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस या फर्स्ट कंप्यूटर की कभी क्वेश्चन हो तो कौन सा है अबेक्स कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रोसेस करता है डेटा को और प्रोड्यूस करता है एज पर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पे कहा जाता है प्रोग्राम और डिस्प्ले करता है आउटपुट को वेरियस आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर सच एज प्रिंटर मॉनिटर, ठीक है तो कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो प्रोसेस करता है डेटा को ठीक है डेटा को ये प्रोसेस करके जो है इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है तो प्रोसेस्ड डेटा हो गया इंफॉर्मेशन एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर इज प्रोसेसिंग द डेटा इट कन्वर्ट्स डॉट रॉ डेटा इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सो so, as we discussed abacus is first computer so it was invented by tim cranmer called a cranmer abacus still used by individuals who are blind abhi bhi jo blind ya peoples hain ya differently abled peoples hain wo isko use karte hain इस अबेकस में क्या होता है एक सॉफ्ट फैब्रिक होता है या बुडन के ये बीड्स रहते हैं या yeah, रबड़ होता है जो प्लेस्ड किया जाता है बिहाइंड द बीज सो दैट दे डू नॉट मूव इन इंडर इंड इनएंटली दिस कीप्स द बीच इन अ प्लेस सो कंप्यूटर उसके फर्स्ट कंप्यूटर तो वेकस हो गया उसके बाद कौन कौन सी मशीन आईं फर्स्ट थी देखो उसके बाद पास्कल एडिंग मशीन फिर लिविंस रिकॉर्डिंग मशीन पॉलमार मल्टीप्लाइंग मशीन बावेज डिफरेंस इंजन बावेज एनालिटिकल इंजन या देन आया फर्स्ट कंप्यूटर तो इन सबको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हम बस हमें पता होना चाहिए कि अवेकस फर्स्ट कंप्यूटर था और उसके बाद कौन कौन से कंप्यूटर आए या कौन कौन सी मशीन्स आई जो कंप्यूटिंग के लिए यूज़ की गई ये टोटली एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन क्वेश्चन के लिए बेस्ड है ये वीडियोज तो डिटेल में ना मैं ना जाते हुए हम ओवर ओवरऑल ब्रीफ में उतना डिस्कस करेंगे जितना हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है सो so, हियर जो फर्स्ट हमारी कंप्यूटिंग मशीन थी वो थी देखो एक्न आई बी एम ऑटोमेटिक मशीन जो डॉक्टर हार्वर्ड एक्न ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन एसोसिएशन विद आई बी एम इन नाइनटीन फोर्टी फोर में डिजाइन की थी और इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन जो थी जो एक प्रोग्राम बनाती थी उन्हें ये कैलकुलेट कर सकता था इसका नाम दिया गया फिर मार्क वन मार्क वन दिस इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट ऑपरेशनल कंप्यूटर ओके ये जो था ये 16 मीटर लॉन्ग था एंड 3 मीटर हाई था कंप्रोमाइजिंग ऑफ मोर देन एट लैक पार्ट्स इट कैन कंप्लीट वन अर्थमेटिक ऑपरेशन इन ट्वेंटी थ्री डिजिट नंबर तीन सेकेंड में ये ट्वेंटी थ्री डिजिट का कोई नंबर था उसके ऊपर ऑपरेशन उपर को अप्लाई करके आपको रिजल्ट दे सकता था मार्क वन कंप्यूटर जो आ, इन्वेंट किया गया था एक इन आई में ओके सो इन 1994 इन कलेबोरेशन विद द आई अब जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन थी 1945 से लेके 55 तक अब जनरेशन्स में कई बार जो बुक्स हैं वो थोड़ा बहुत आगे पीछे ईयर्स को देती हैं जैसे फोर्टी टू सिक्सटी देंगी या फोर्टी फोर टू देंगी फिफ्टी नाइन तो एक दो अगर आगे हैं या पीछे हैं इस रेंज में तो रेंज अगर इस तरह की दी गई है तो वो फर्स्ट जनरेशन की रहेगी तो एक दो डिजिट आगे पीछे आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं कि कौन सी जनरेशन के लिए हुई तो जिस बुक से मैंने देखा उसके अकॉर्डिंग ये थे ये ठीक है सो सेकेंड जनरेशन है 56 सिक्स टू सिक्सटी फाइव देन टू सेवेंटी फाइव सेवेंटी सिक्स एटी नाइन एटी नाइन टू प्रेजेंट एंड फ्यूचर में किस तरह के कंप्यूटर्स इन्वेंट होने या किए जा रहे हैं जिनके ऊपर अंडर प्रोसेस्ड हैं वो सो हेयर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर नाइनटीन फोटी फाइव टू फिफ्टी फाइव अब क्वेश्चन रहते हैं उसके ऊपर कि फर्स्ट जनरे ऑफ़ द कंप्यूटर जो है उनका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक था तो फोर्टी फाइव टू फिफ्टी फाइव ओके फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे इनमें यूज किया जाता था वैक्यूम ट्यूब्स को जो सर्किट्री एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर द मेमोरी के लिए यूज किए जाते थे एंड वर ऑफन इनॉर्मस टेकिंग टेकिंग एंटायर रूम्स मतलब एक रूम के बराबर साइज होता था इनका फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर रिलाईड ऑन द मशीन लैंग्वेज टू परफॉर्म द ऑपरेशन अब मशीन लैंग्वेज कौन सी थी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मशीन लैंग्वेज है जो प्राइमली बेस्ड है ओनली बिट्स के ऊपर लाइक वन जीरो वन जीरो वन जीरो जो भी इंफॉर्मेशन आपको इनपुट करवानी है वो आपको बाइनी नंबर के थ्रू ही करवानी है फिर वहां पे तो मशीन लैंग्वेज के थ्रू ही ये ऑपरेट होते थे फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर में कौन कौन से हैं यहाँ पे मार्क वन है एडसेक है एडवैक है यूनिवैक वन है देन एनियाक

फोजिशंस कंप्यूटर में जो वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी वो कुछ इस तरह की थी इनका जो साइज़ था एक बल्ब के साइज़ के बराबर था जो फिलामेंट वाले बल्ब हम पहले यूज़ करते थे एंड वैक्यूम ट्यूब्स तो जो थी ये सर्किट्री एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर द मेमोरी के लिए यूज़ की जाती थी वैक्यूम ट्यूब जो हैं ये डेवलप की गई थी बाय द फॉरेस्ट वैक्यूम ट्यूब डिवाइस जो हैं, ये जनरली यूज़ किए जाते हैं टू एम्पलीफाई अ सिग्नल बाय कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन इवेकुएटेड स्पेस अब देखो रूम के साइज के बराबर अगर कंप्यूटर का साइज है इतनी एक बल्ब कभी आपने उस बल्ब को कभी टच किया हो जो पहले फिलाेंट वाले जिनकी येलोइश जैसी लाइट होती थी उनको यूज किया हो या उनको कभी टच किया हो एक दो घंटा जलने के बाद तो वो कितने हीट प्रोड्यूस करते थे तो अगर थाउजेंड ऑफ द वैक्यूम ट्यूब वगैरह एक कंप्यूटर में यूज़ की जा रही है तो कितनी हीट वो प्रोड्यूस करते होंगे तो ये वही थी फिर ड्रॉबैक बाद में इनकी फर्स्ट जनरेशन ऑफ़ द कंप्यूटर की, की। यहाँ पे थोड़ा सा यूनिवैक के बारे में देख लेते हैं यूनिवैक जो था ये इन्वेंट हुआ था 1951 में फुल फॉर्म है इसकी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल कंप्यूटर बिल्ट किया गया था ये यूएस द्वारा एंड क्रिएटेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया AnyIAC weight, 30 tons contained 8,000 vacuum tubes, size or weight dekh roh, kitna hoga iska? and cost is too much high. So first generation of the computer key advantage is first generation of the computer, the, ye able the to process any ta and takes milliseconds to process the data. Hardware design and function are programmed by the machine language. ये इसके एडवांटेजेस हैं बाद में ये ड्रॉबैक्स हैं इसकी कि मशीन लैंग्वेज हर कोई पढ़ नहीं सकता था तो हर कोई नहीं पढ़ सकता था तो जो स्पेशली जिनके पास इसकी स्पेशलाइजेशन थी वही लोग इनको ऑपरेट कर सकते थे ऑनली वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजीज जो थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी विच ओपन द गेट ऑफ डिजिटल वर्ल्ड फॉर द कम्युनिकेशन बट एज इट इज़ द फर्स्ट जनरेशन तो फर्स्ट जनरेशन में कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक्स रहती ही हैं लेकिन शुरू हो गया डिजिटल वर्ल्ड डिजिटल वर्ल्ड आजकल तो हर आदमी के हाथ में कंप्यूटर है मोबाइल भी तो एक कंप्यूटर ही है एक तरह से देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ द कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन द वैक्यूम ट्यूब्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर वेरी स्लो वेरी स्लो तो हम अभी बोलते हैं ना उस टाइम पे तो वो ठीक ही थे दे वर वेरी लार्ज इन साइज देन प्रोडक्शन ऑफ द हीट वॉज लार्ज अमाउंट इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग जितनी भी होती थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर में वो होती थी ओनली थ्रू द मशीन लैंग्वेज ये अनरिलाइबल थे अनरिलाइबल थे कि जैसे लाइट चली गई तो कोई और वो नहीं था इसमें प्रोसेस नहीं थी कि जिसके थ्रू लाइट को स्टोर करके रख सकें काफ़ी थोड़ी देर के लिए कि वो बैकअप प्रोवाइड करवाए दे व डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम एंड यूज़ वो काफ़ी डिफिकल्ट थी एंड डिफिकल्ट थे टू प्रोग्राम और यूज़ करना भी अब यूज़ करना क्यों डिफ़िकल्ट था क्योंकि मशीन लैंग्वेज में ही काम होता था तो हर आदमी यूज टू नहीं था मशीन लैंग्वेज के ओके okay? तो डिसएडवांटेजेस अब यही सारी जो हैं यहाँ पे डिसएडवांटेजेस बनती जाएंगी यहाँ पे साइज़ जो था मशीन का वो बहुत सा बहुत बड़ा था बहुत सारी एनर्जी इसको प्रोसेसिंग के लिए चाहिए थी हीट जो थी वो बहुत प्रोड्यूस होती थी जिसके लिए एसी चाहिए थे एसी चाहिए तो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हो गया और इन ऑर्डर टू गेट द प्रॉपर प्रोसेसिंग मेंटेनेंस काफ़ी ज़रूरी थी अब देखो वैक्यूम ट्यूब साइज का बल्ब था उसमें अब एक बल्ब अगर फ्यूज़ हो गया तो उसको रिप्लेस भी फटाफट करना है अदरवाइज जो प्रोसेसिंग है वो और स्लो होती जाएगी वहां पे तो ये हो गई ड्रॉबैक्स फर्स्ट जनरेशन की इनको ओवरकम किया फिर सेकेंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर ने ठीक है सेकेंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर जो थी इनका टाइम पीरियड था फ्रॉम फिफ्टी टू सिक्सटी वैक्यूम ट्यूब जो थी अब रिप्लेस हो गई यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स के साथ ठीक है ट्रांजिस्टर क्या हैं अब ट्रांजिस्टर्स हैं डिवाइसेस कंपोज ऑफ सेमी कंडक्टर मटीरियल जो एम्पलीफाई कर देते थे सिग्नल्स को और क्लोज कर देते थे सर्किट को सर्किट को ट्रांजिस्टर्स जो थे ये इन्वेंट हुए 1947 में एट बेल लैब बेल लैब कौन सी लैब है मतलब इसका कहीं अगर किसी ने कभी नाम सुना हो किसी और के साथ एन टी बेल लैब है इसके साथ एसोसिएटेड अगर किसी को कोई टर्म याद आ रही है तो जरूर कमेंट बॉक्स में देना इसका आंसर की ये क्या थी यहाँ पे किसी लैंग्वेज की इन्वेंशन भी हुई थी साथ में सो ट्रांजिस्टर्स हैव बिकम द की टू ऑल द डिजिटल सर्किट इंक्लूडिंग द कंप्यूटर्स प्रेजेंट टाइम में माइक्रो प्रोसेसर कंटेन करते हैं टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्रांजिस्टर्स एंड डेवलप फॉर एटॉमिक एनर्जी इन द इंडस्ट्रीज अब सीरीज़ में अगर ट्रांजिस्टर्स की या सेकेंड जनरेशन ऑफ़ द कंप्यूटर की सीरीज की बात करें तो कौन कौन से हैं देखो आई एक ऐसी कंपनी है जो शुरू से कंप्यूटर की कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है तो अभी भी आप देखते होंगे आई के सी आते हैं सिस्टम्स आते हैं तो ई एक्स आई बी एम सेवन जीरो सेवन फोर सीरीज के कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर के थे सी डी सी वन सिक्सटी फाइव आई बी एम फोर्टीन हंड्रेड सीरीज जो है दे ऑल आर रेलिवेंट टू द सेकेंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर में कब तो से कब तक है फिफ्टी सिक्स टू सिक्सटी फाइव ओके एंड वैक्यूम ट्यूब जो है वो रिप्लेस हो गई इन ट्रांजिस्टर्स के साथ सो so, ट्रांजिस्टर जो टर्म है ये रेलिवेंट या रिलेट करेगी सेकेंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर के साथ और इनमें से कोई एक एग्जाम्पल याद रखना है इनके लिए आपको कि कौन सा जो है वो रिलेट करता है सेकेंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर के लिए अब एडवांटेजेस लेस एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर और स्मॉल साइज हो गया तो देखो वैक्यूम ट्यूब जो है वो एक सेमी कंडक्टर के साथ रिप्लेस हो गई इतना और इतना साइज खुद ही छोटा हो गया फास्ट इन स्पीड है लो पावर कंजम्पशन है एंड लेस हीट प्रोड्यूस है अब बल्ब नहीं जल रहे हैं ट्रांजिस्टर्स हैं तो हीट ऑब्वियसली कम प्रोड्यूस हो रही है लैंग्वेजेज आफ्टर मशीन लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग आर असेंब्ली लैंग्वेजेस असेंबली लैंग्वेज हैं यहाँ पे को बोल एंड फॉर ट्रॉन ओके तो नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक करेक्टरिस्टिक क्या क्या है? Second generations of the computer, है, हैं से जनरेशन ऑफ़ द कंप्यूटर जो हैं ये बेस्ड हैं ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी के ऊपर अब ट्रांजिस्टर इसी जनरेशन में आए हैं तो इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर ये मोस्टली बेस्ड रहेंगे तो दीज व स्मॉलर एज कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर एंड साइज भी स्मॉलर हो गया कॉम्पिटिशनल टाइम जो था वो रिड्यूज हो गया इन माइक्रोसेकेंड्स टू मिली सेकेंड और जल्दी जो है ये कंप्यूट करना शुरू कर दिया इसने एंड सेकेंड एशन ऑफ द कंप्यूटर्स वर मोर रिलाइबल एंड लेस प्रोन टू द हार्डवेयर फेलअर जैसे वैक्यूम ट्यूब अगर खराब होती थी तो फटाफट -फट हमें रिप्लेस करनी होती थी तो इस केस में हार्डवेयर फेलुअर जो थे वो काफ़ी कम होने लग गए तो रिलायबिलिटी ज्यादा बढ़ती गई इनके ऊपर अब सेकेंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर जो है ये रिक्वायर करते हैं लेस्ट फ्रिक्वेंट मेंटेनेंस वही रिप्लेस अगर हमें बार बार नहीं करनी पड़ रही कोई चीज़ तो लेस फ्रिक्वेंट तो है ही है वो ओके पोर्टेबल हैं एंड प्रोड्यूस करते हैं लेस हीट को असेंबली लैंग्वेजेस प्रोग्राम जो हैं वो यूज किए गए सेकेंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर में जैसे कोबोल है या फिर फॉरट्रॉन uh, है तो को, कोबोल की फुल फॉर्म है यहाँ पे कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज ठीक है तो इसी तरह से आप ढूंढेंगे फॉरट्रॉन के लिए फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म क्या है सो असेंबली लैंग मैनुअल असेंबली ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इनटू द फंक्शनल यूनिट वाज रिक्वायर्ड ये कंपल्सरी था यहाँ पे अब डिसएडवांटेजेस की अगर बात करते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर की तो मेंटेनेंस फिर से मेंटेनेंस रिक्वायर्ड रहती थी अब सेमीकंडक्टर में अगर कोई सर्किट जो है वो फेल हो रहा है तो उसकी मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट है फिर ए जो हैं वो फिर से रिक्वायर्ड हैं ए या फैन तो अभी तक चाहिए लेकिन स्टिल दिस इज द डिसएडवांटेज देयर दीज कंप्यूटर्स आर नॉट यूज एज पर्सनल कंप्यूटर अभी तक भी जो था कंप्यूटर जो था वो एज अ पी सी यूज नहीं हुआ अभी भी प्रोफेशनल लोग ही कंप्यूटर के साथ काम करते थे प्रेफरेबली यूज फॉर कमर्शियल परपजेज अभी तक भी इनको कमर्शियल परपजेज के लिए ही यूज किया जाता था एंड uh, अगर किसी ने ढूंढ ली Fortran की तो वेल डन अदरवाइज फॉरट्रॉन की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन और फार्मूला ट्रांसलेटर लैंग्वेज उसके बाद आई अब इन डिसएडवांटेजेस को ओवरकम किया गया थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर के साथ तो अभी जो हम मोस्टली यूज करते हैं वो थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर ही हैं थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर जो है इनकी जो टाइम पीरियड है ये है सिक्सटी सिक्स टू सेवेंटी फाइव तो इंटीग्रेटेड सर्किट दैट मीन्स आईसी चिप्स जो थी वो यूज होने लग गई इन द थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर ट्रांजिस्टर्स वर मीनीोराइज एंड प्लेस्ड ऑन द सिलीकन चिप अब ये जो आईसी चिप है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है ये किसकी बनी है सिलिकॉन चिप की इन्हें ही कहा जाता था सेमी कंडक्टर इंक्रीज द एफिसंसी ऑफ द कंप्यूटर्स। ये जो सिलिकॉन चिप हैं इन्होंने कंप्यूटर की एफिसियंसी को इंक्रीज कर दिया यूजर्स इंटरेक्टेड विद द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स थ्रू द कीबोर्ड मोनिटर इंटरफेस्ड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम

तो इसने इनपुट जो है ये कीबोर्ड के थ्रू लेना शुरू कर दी या इंटरफेस के थ्रू या मॉनिटर के थ्रू या तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के थ्रू सो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर बिकेम एसेसिबल टू द मास ऑडियंस अब मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो बने थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर में एक्स आई बी एम सिस्टम थ्री सिक्सटी आई बी एम थ्री सेवनटी पी डी पी एट डी ई सी इलेवन जीरो एट नाइन थाउजेंड ये सारे कंप्यूटर आते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर में ओके अगेन द एडवांटेजेस ऑफ द थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर सो स्मॉलर साइज है ना इंटीग्रेटेड चिप्स बन गई तो और स्मॉलर साइज हो गया स्मॉलर साइज यहां पे दिख रहा है दिख रहा है वैसे लो कॉस्ट हो गई लो पावर कंजप्शन हो गई एंड ईजी टू ऑपरेट हो गए लेस कंप्यूटेशनल टाइम रह गया हाई रिलायबिलिटी हो गई मल्टी टास्किंग एनवायरमेंट प्रोवाइड करवाना शुरू कर दिया इसने ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो यूजर इंटरेक्शंस प्रोवाइड करवाता था यहाँ आईसी चिप्स आर स्टिल डिफिकल्ट टू मेंटेन। अब ये हो गई डिसएडवांटेज ठीक एंड नीट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी यूज की, की जाती थी थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर में इन डिस को ओवरकम किया गया फिर फोर्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर में फोर्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर जो है इनका टाइम पीरियड है 1976 Microprocessors are still used. Integrated chips thi are used, which is packet of one million or one lakh one lakh transistors in a single chip. In 1971, Intel Corporation isne ek packed complete CPU in single chip. Well, a complete CPU is in on a single chip ke upar. This is also known as microprocessor. तो आईसी चिप्स जो थी अब माइक्रो प्रोसेसर्स के साथ यहाँ पे रिप्लेस कर दी गई एंड ग्राफिक डिवाइस इंट्रोड्यूस किए गए ए एम डी प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किए गए और नाइनटीन एटी फोर में एप्पल ने इंट्रोड्यूस कर दिया था मेशिन टॉर्च ठीक है जो मैक मैक नहीं करते थे वर्ड कि हमारे पास मैक है तो मैक क्या है मेशिन टॉर्च ओके तो फोर जनिशन ऑफ द कंप्यूटर के अब एडवांटेजेस स्मॉलर साइज एज यूज माइक्रो प्रोसेसर जो थे इसके एडवांटेजेस थी सेमी कंडक्टर मेमरी यूज़ करना शुरू कर दी लो कॉस्ट प्रोडक्शन थी हाई स्पीड है हाई रिलायबिलिटी है एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम है एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम है मतलब मोर एक्सटर्नल स्टोरेज मीडियम प्रोवाइड किए गए जैसे सी रोम है डी रोम है यहाँ पर अब सी की और डी डी की फुल फॉर्म बहुत बार क्वेश्चन पेपर्स में आती हैं ये तो फुल फॉर्म जो है ये कमेंट बॉक्स में सी डी एंड डी बी डी जी ओ आई डेवलप्ड फॉर इंट्रैक्शंस जी ओ आई क्या है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अब देखो फोर्थ जनेशन ऑफ द कंप्यूटर में क्या हुआ ये हमारा डेस्कटॉप है जैसे डेस्कटॉप पे हमें आइकन्स दिखने शुरू हो गए कि अगर चीज नहीं भी आ रही तो ये है अब जनरल आदमी के लिए जनरल आदमी जैसे आजकल जो है कोई पढ़ा भी नहीं है तब भी वो अपने मोबाइल को ऑपरेट कर लेता है कैसे उसको पता है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टेक्ट है कॉन्टेक्ट के लिए एक मोबाइल का वो रिसीवर का सिंबल बना हुआ है उस पर क्लिक करोगे तो फोन हो जाएगा नंबर यहाँ से प्रेस हो जाएंगे इस तरह से तो ये जो आइकन्स प्रोवाइड हुए ये वाली इंट्रेक्शन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब ग्राफिक्स के थ्रू इंट्रेक्शन आप जो है माउस से जब क्लिक करते हैं तो माउस का जो क्लिक है वो बन गया यहाँ पे इंट्रेक्शन का मीडियम ठीक है फोर्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर में इवन थर्ड जनरेशन में भी ये है लेकिन स्पेसिफाई किया गया है मोस्ट स्पेसिफिकली इन द फोर जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर में अब फिफ्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर जो अभी भी अंडर डेवलप्ड है और डेवलप हो भी चुकी है काफी हद तक जैसे रोबोट जो हैं वो काफी बन भी चुके हैं सो फिफ्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर जो है नाइनटीन नाइनटीज ऑनवर्ड इसके ऊपर काम होना शुरू हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है वो यूज की जा रही है यहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या होती है जैसे मशीन जो है वो खुद से ही चीज़ें सीखेगी और खुद से ही चीज़ों के ऊपर अपने लॉजिक लगाएगी जैसे आपने मूवी देखी होगी साउथ इंडियन मूवी थी एक आ, रोबोट करके हाँ उसमें जो है वो न, चीज़ें खुद से सीखता था फिर उसके ऊपर और भी काफ़ी सारी इम्प्लीमेंटेशन की उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ऊपर ताकि वो क्रैम करे फिर जैसा लोग बिहेवियर उसके साथ करते हैं उसको अडॉप्ट करें एक शाहरुख खान की मूवी भी आई थी आई डोंट मतलब मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा उसका नाम अगर किसी के याद है तो कमेंट बॉक्स में देना ज़रा उसका नाम कौन सी मूवी थी शाहरुख खान की तो वो सारी मूवीज़ जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बॉलीवुड की हॉलीवुड की तो इतनी मूवीज़ हैं उन्होंने तो रोबोटिक्स के ऊपर इतनी मूवीज़ बनाई हैं कि चलो आगे स्टिल इन डेवलपमेंट वॉइस डिकग्नेशन सिस्टम है आजकल मोबाइल में भी है जैसे आप बोलते हैं हेलो अपने स्टाइल में बोलोगे तो उसी से आपकी स्क्रीन खुलेगी डक्टर्स टू मेक द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रियालिटी अब पैलर प्रोसेसिंग क्या है लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में बात की है जो पार्ट वन है कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस का क्वांटम कंप्यूटेशन एंड मोलिकुलर आर नैनो टेक्नोलॉजी विल बी रेडिकली चेंज और दिन ऑफ द कंप्यूटर में इनका सबका यूज हो रहा है क्वान्टर कंप्यूटेशन टेक्नोलॉजी का मोलिकुलर का नैनो टेक्नोलॉजीज का इसका गोल क्या है गोल है टू डेवलप डिवाइस दैट रिस्पॉन्ड टू द नेचुरल लैंग्वेज अभी तक जो कंप्यूटर काम करते हैं वो करते हैं ऑनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर वो जितनी भी चाहे हाई लेवल के लेकिन है तो है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही अब यूज़ किया जा रहा है नेचुरल लैंग्वेजेस को नेचुरल लैंग्वेज की हम जैसे बोलें वो करें जैसे आजकल कर आप एटीएम की मशीन के ऊपर जाते हैं तो वो वहाँ पे बोलता है कि एंटर योर पिन नंबर और कलेक्ट द कैश तो वो भी प्रोग्राम ही है वहाँ पे उसी के थ्रू वो बोलता है जैसे आप एक इनपुट देते हो तो वो सेकेंड के ऊपर उसके अकॉर्डिंग काम करता है तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर जो है अभी जो कंप्यूटर डेवलप हो रहे हैं लाइक रोबोट्स हैं दे आर ऑफ द फिफ्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर सो एडवांटेजेस प्रोग्राम इंडिपेंडेंट हो गए हैं थिंकिंग एंड एनालिसिस अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ऊपर काम हो रहा है तो थिंकिंग और एनालिसिस की पावर इनकी अपनी है यहाँ पे वॉइस रिकोगनीशन एंड बायोमेट्रिक डिवाइसेज जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो गए हैं सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड लर्निंग वो ख़ुद को खुद ऑर्गेनाइज करते हैं और ख़ुद को ही लर्न करते हैं अब एक हॉलीवुड की मूवी थी ट्रांसफॉर्मर या ऐसे ही कुछ नाम है उसका जिसमें वो मशीन जो हैं वो ह्यूमन को मारना शुरू कर देती हैं सारी मशीन एक साथ काम करना शुरू करती हैं तो वो हो गया सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड लर्निंग ड्रॉबैक्स हैं ये काफ़ी हाई लेवल के ऊपर वैसे तो करेक्टरिस्टिक्स हैं लेस पावर कंजम्पशन है हाई परफॉर्मेंस है लो कॉस्ट एंड वेरी इंपैक्टफुल है ये कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पोर्टेबल हैं नोटबुक कंप्यूटर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस की गई हैं एज पार्ट ऑफ द फिफ्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी चिप जो है, है, है यहाँ पे वन जी बी हार्ड डिस्क ड्राइवर्स से लेके एक सौ अस्सी जीबी तक हो सकती हैं एंड ऑप्टिकल डिस्क का जो साइज है वो सत्ताईस जी बी अवेलेबल है यहाँ पे कैपेसिटी इंक्रीज डे बाई डे सो कंक्लूजन क्या है विद द वेरियस इंप्रूवमेंट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर वी हैव सीन द कंप्यूटर बींग यूज इन ऑल एरियाज ऑफ द लाइफ इट इज वेरी यूजफुल टूल दैट विल कंटिन्यू एक्सपीरियंस न्यू डेवलपमेंट एज टाइम पास आजकल तो किसी भी चीज में देखो कंप्यूटर ही कंप्यूटर computer है कंप्यूटर्स आर यूज इन वेरियस एरियाज और लाइफ एजुकेशन एंटरटेनमेंट स्पोर्ट है एडवर्टीजमेंट है मेडिसिन है साइंस है इंजीनियरिंग है गवर्नमेंट ऑफिसज हैं होम है कहीं पे भी एप्लीकेशन देख सकते हो आप कंप्यूटर की बिना कंप्यूटर के आजकल जो है वो जिंदगी जिंदगी नहीं लगेगी किसी को भी जैसे मोबाइल ना हो तो कितनी देर अगर आप 10 मिनट अपने मोबाइल से हाथ नहीं लगाते हैं तो मोबाइल भी आजकल वो एम भी बहुत सारे बने हुए हैं कि मोबाइल आवाज़ लगाता है कि मालिक जिंदा हो सेम प्रोसीजर है आजकल यहाँ पे कि कंप्यूटर के बिना जिंदगी जिंदगी नहीं है हर एक चीज में कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया गया है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को देखा गया है जैसे एयर कंडीशनर जो है आजकल आपके हिसाब से वो लाइटिंग डिम एंड हाई हो जाती हैं फिर एलिसा है एंड ऑल तो दिस इज आर लेक्चर फॉर द डे अभी है क्वेश्चन बेस्ड ऑन टू डेज लेक्चर एंड रेलिवेंट टू द लास्ट वन ऑल्सो Answer these questions in your comment box and all the best for these questions. So thanks for watching the lecture. You can follow us on the Telegram as well as on the Facebook to download the PDF of these files and stay home, stay safe, stay happy. God bless you all.